Hello students of class 6th. Today we are going to start a new poem, The Kite. Kite means patang. आपको सबको kite उड़ाना बहुत पसंद होगा, है ना? आप सब ने kite उड़ाई होगी, आप सबको पता होगा कैसे kite उड़ाई जाती है. So let's read this poem about as kite, as it flies in the sky. How bright on the blue is a kite when it's new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls. तो ये जो हैं हैरी बेन हैं, इसके पोएट हैं, वो ये बता रहे हैं कि जब ये काइट हम न्यू लेकर आते हैं तो वो कितनी ब्राइट होती है और वो कितनी अच्छी लगती है जब वो ब्लू स्काई में. ब्लू ये स्काई को कह रहे हैं कि ब्लू जो है ये स्काई है, तो स्काई में जब ये जाती है तो ये कितनी अच्छी लगती है. और ये ऐसे डाइव करती है जैसे कि कोई जो है पूल में डाइव करते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं और जैसे डाइव करते हैं पानी में, तो या फिश जो हैं वो डाइव करती हैं ऐसे ऊपर से एकदम कूदती हैं जो होती हैं. और तो ऐसे ही बता रहे हैं कि वो हवा में जो है डाइव करती है और डिप करती है. इट स्नैप्स इट्स टेल, और अपनी टेल वो ऐसे हिलाती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल, और टेल जो है वो नीचे के हिस्से को कह रहे हैं वो कि अपने जो है वो जैसे कोई टेल हिलाता है वो ऐसे ही अपने नीचे से वो हिलाती है और वो उसकी आवाज़ होती है फरफर की आवाज़ होती है. और फिर वो जो है शिप जो होती है समुद्र में वो लहरों पर ऊंचे पहुंच जाती है, जब उसकी लहरें उठती हैं तो शिप ऊपर पहुंच जाती है, तो ऐसे ही वो हवा के साथ ऊपर सेल करती है, वो तैरती है हवा में. As over tides of wind it rises, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. और वो ऐसे ही हवा में तैरती रहती है जैसे कि वो और ऊपर चढ़ना चाह रही है, हम उसे खींचते हैं तो वो और ऊपर की तरफ जाती है, और जब हवा रुक जाती है वो चलनी बंद हो जाती है तो फिर जो काइट है वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो जो रेस्ट कर रही है वो वहीं पर रुक जाती है और वो नीचे आना स्टार्ट हो जाती है. व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक, ये जो है आप इसको वाइंड पढ़ेंगे, ये विंड नहीं है, यू वाइंड इट बैक. वाइंड क्या होता है, जैसे हम जो होती है उसकी चक्री होती है, हम उसमें जो होता है वो जो स्ट्रिंग होता है उसका, हम उसे दोबारा उसमें वाइंड करने लगते हैं, लपेटना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो लूज़ हो जाता है. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. तो जब वो बिल्कुल हवा रुक जाती है तो जो पतंग उड़ाता है, जो काइट को उड़ाता है, वो उसको जब लूज हो जाता है स्ट्रिंग तो उसको वो दोबारा से वाइंड करता है, वो जो उसकी चक्री होती है उस पर वो उसको स्ट्रिंग को लपेटता है और फिर वो भागना स्टार्ट करता है, रन करना स्टार्ट करता है जिससे कि वो ब्लो करे और जो है नई ब्रीज का वो वेट करती है कि जिससे कि वो तेज़ हवा चले और वो फिर आसमान में ऐसे ही स्काई में ऐसे ही उड़नी स्टार्ट हो जाए. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. ये सभी को पता है कि जब वो नई होती है काइट तो वो कितनी अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, वो ब्राइट होती है, आसमान में उड़ती है, स्काई में उड़ती है, तो वो ब्लू स्काई में उड़ती भी बहुत अच्छी लगती है. बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. लेकिन जब ये किसी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि जब वो किसी पेड़ की ब्रांच होती है, उसकी डालियाँ जो होती हैं उसमें वो जकड़ जाती है, वो उलझ जाती है और वो फट जाती है वहीं पर, तो उस न्यू काइट का वो कितना वो कैसे वो बेकार हो जाती है, बहुत उस वक्त वो बहुत वीक हो जाती है, वो बिल्कुल उसकी फट जाती है और देखने में भी वो अच्छी नहीं लगती है.
और वो अपने आप को उसमें से निकालने की कोशिश करती है व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग, जैसे कि जो धागा होता है वो हिलता है तो वो अपना वो फड़फड़ाती है, वो उड़ने की कोशिश करती है इन द टॉप ऑफ अ ट्री, जब वो जब ट्री के टॉप में वो फंसी हुई होती है। तो यहाँ पर थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये पोएम जो है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू।